फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आज सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज जा रही हूँ, ये लोटा है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब इसमें जंग लगा हुआ है और काफ़ी टाइम हो गया था इसको मैंने साफ़ नहीं किया था, तो ऐसे ही मैंने पानी से इसको खंगारा है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये है वो लिक्विड जिसे मैंने कटोरी में रखा हुआ है, तो ये दिखेगा आपको, ये देखिए पानी की तरह है। तो इसी में मैंने थोड़ा नींबू डाला हुआ है, जो है डिश वॉश होता है बर्तनों को धोने वाला जो लिक्विड होता है उसी में मैंने जो है थोड़ा सा नींबू का रस मिला दिया है। तो मैं इसको साफ़ करके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से ये जो है साफ़ हो जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें झाग निकल रहा है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए कितने अच्छे से जो है ये साफ़ हो जा रहा है। तो ये सालों पुराना लोटा है तांबे का और मतलब इसमें जंग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइट लगा हुआ है। इसे साफ़ करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था और क्या बोलते हैं कि इसे जो है लोहे के जूने से ही रगड़ा जा सकता था क्योंकि ये बहुत ही टाइट था और इसे जो है टाइट हाथों से जो है इसको इस तरीके से रगड़ने पर ही ये साफ़ हो रहा था। तो इस लिक्विड से साफ़ तो हो जाता है लोटा, पर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि चार या पाँच साल पुराना ये लोटा है जिसे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो अभी देखिए किस तरीके से पीछे से जो आप लोटे को देख सकते हैं इसके जो है दिख रहा होगा आपको कितना मतलब पहले से बहुत ही ज़्यादा जो है ये साफ़ हो चुका है। ये देखिए और कितना ज़्यादा मतलब ये लिक्विड इतना अच्छा है कि बता नहीं सकती मैं आपको कि इससे बर्तन तो साफ़ होते ही, और ये देखिए कितना जो है ये लोटा कितना सालों पुराना ये भी साफ़ हो रहा है, और थोड़ा सा लिक्विड यूज़ करेंगे तो इतना सारा ये झाग बन के आता है कि मतलब इसे एक चम्मच लिक्विड से आप सारे बर्तनों को जो है ये अच्छे से साफ़ कर देता है। तो ये देखिए मैंने ज़रा सा ही लिक्विड लिया था और उसी से मैं जो है इसको साफ़ कर रही हूँ और इसमें देखिए कितना झाग बन जा रहा है और ये देखिए कितना मतलब साफ़ भी हो जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें प्रेशर भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख सकते हैं ये जो तांबे का लोटा है कितने आसानी से जो है साफ़ हो चुका है। और अभी इसके अंदर का ये देखिए कितना जो है अभी टाइट, ये बहुत ही सालों पुराना लोटा है तो इसमें जंग आप जान सकते हैं, जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़क है तो उसे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा मुझे। तो अंदर का भी मैं इसी तरीके से जो है साफ़ कर दूँगी। तो बस फिर आज का वीडियो यहीं तक।